मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनोहरि। वेदि का मंत्र संपन्न हुआ। अब वर और वधु एक दूसरे के गले में वरमाला डालें। रुकिए, आप लोग ये शादी नहीं कर सकते। इस लड़की को इतने कम उम्र में भी आते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आवे के? जरा इस लड़की की उम्र और इस लड़के की उम्र तो देखिए। अरे तू है कौन? मैं अपनी बेटी की शादी किसी से भी करूं? ये प्रमिला है जो कभी बाल विवाह का शिकार हुई, और मैं उषा माथुर, एनजीओ चलाती हूं। अजी सुनो, ये छोरी क्या बोल रही है, मारे तो कुछ समझ में ना आवे। देखिए आप लोग जो कर रहे हैं वो कानूनन जुर्म है। जरा इस बच्चे की उम्र तो देखिए, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है और आप इसे ऐसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। कानून ने लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 18 और लड़कों की कम से कम 21 निर्धारित की है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के धारा 9 और 10 के तहत आप सबको 2 साल की कड़ी सजा हो सकती है। सजा ही नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मैडम हम तो पहले से इनको बोल रहे थे कि अभी दुल्हन बच्ची है, लेकिन ये लोग मुझ पर जोर देने लगे। घबराए नहीं पंडित जी, इन लोगों का साथ देने के लिए आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितने ये लोग। सजा आपको भी होगी। अरे मैडम मेरी तो मति मारी गई थी, मैं तो बावला हो गया था। बावला? कोई बावला नहीं हुआ है, ये मारी छोरी है, मैंने इसे जन्म दिया है। अब मारी मर्जी, मैं किसी से भी भया कराऊं? चुप रहो काकी। जरा इस लड़की की आंखों में झांक कर तो देखो, इस बिचारी का तो पता भी नहीं कि इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अगर थारे को लाड़ो से इतना ही प्यार है तो इसे पढ़ाती लिखाती 18 साल के बाद इसकी शादी करती। के बात करिए छोरी, हम कोई धन्ना सेठ ना है जो इसे पढ़ावे लिखावे। 2 जून की रोटी हमें मुश्किल से मिले और तू इसे पढ़ाने की बात कर रही है? इतनी ही तकलीफ थी तो इसे पैदा क्यों किया? बाल पोस कर इतना बड़ा क्यों किया? अरे वो लड़की, यहाँ से भाषा मुझे बंद कर, यहाँ से दफा हो जा। नहीं तो क्या करेगा तू? अगर बेवकूफी दिखाई ना तो सीधा जेल में भेज दूंगी। तू ही बता ये बात, अगर तेरी बहन इस उम्र की होती और उसकी शादी तू जैसे आदमी के साथ होती तो तू क्या करता? कल ही आना सर नीचे। देखिए ये बच्चे प्यार का वो फूल है जिसे भगवान ने जिंदगी में सुगंध फैलाने के लिए भेजा है। आप क्यों इस फूल को कुचलना चाहते हैं? क्यों इसके सुगंध को मिटाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं अपने विचार बदल देते? क्यों अपनी मानसिकता नहीं बदल देते? इसकी शादी होने से इस बच्चे की जिंदगी तो खराब हो ही जाएगी, बाद में आप लोगों के पास भी उम्र भर का पछतावा रह जाएगा। आप लोगों को पता नहीं बाल विवाह एक जघन्य अपराध है, इसे रोक दीजिए। अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी ये लाडली एक दिन पीटी उषा, सानिया नेहवाल, किरण बेदी और ना जाने कितनी बेटियों जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनके ही जैसे आपका, आपके पूरे खानदान का क्या, पूरे देश का नाम ऊंचा करेगी। माफ कर दो, क्षमा कर दो मारे को, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी चाहे मुझे 2 जून की रोटी मिले ना मिले। मैं अपने लाड़ों को जरूर पढ़ाऊंगी। आपने मेरी सही वक्त पे आके आंखें खोल दी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटी की शादी 18 साल के पहले नहीं करूंगी। इसे खूब पढ़ाऊंगी, इसे अपने पैरों पे खड़ा करूंगी, है ना लाड़ो?
राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव भूचकला में रहने वाली प्रमिला नाम की एक लड़की एक एनजीओ के मदद से बाल विवाह को रुकवाने में सफल होती है। नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा आप सभी का सलाम इंडिया में स्वागत करती हूँ। अभी आपने देखा कि कैसे एक प्रमिला नाम की लड़की एनजीओ के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर बाल विवाह को रोकने में सफल रही। एक शोध के मुताबिक भारत दुनिया में बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आ रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भारत में बाल विवाह जैसी कुप्रथा सबसे ज्यादा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है। राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव भूचकला में रहने वाली प्रमिला नाम की लड़की एनजीओ के साथ मिलकर बाल विवाह को रोकने में सफल होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके इस प्रयास के पीछे उसकी अपनी ही जिंदगी का एक कड़वा अनुभव है, एक दर्द है। क्यों है? बात ही ऐसी है, वो अदला बदली की बात कर रहे हैं। अदला बदली? मैं समझी नहीं। कह रहे कि एक बेटी दो और दूसरी बेटी ले जाओ। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे के कहना चाहे तू? ना थारी बेटी होगी ना थारे बेटी की शादी होगी। 25 साल का हुए जा रहा थारा बेटा, 3-4 रिश्ते तो टूट चुके हैं, अभी आखिरी रिश्ता है। यही बात तो मैं सोच रहा था। बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरा। के बकरी है? कर दे इस छोरी की शादी उस छोरे से। दिमाग खराब हो गया है? अरे दूसरे की छोरी की शादी उस छोरे से कर दूं? के कहे, दूसरे की छोरी है, भांजी है थारी भांजी, और भांजी और अपनी बेटी में कोई फर्क ना होवे है। 1 साल से हम पढ़ावे लिखावे छोरी को, कभी इसके माँ बाप ने आके इसकी खबर ली है? अरे बहनों ही है मारे, हमें अपना समझे इसलिए ना ली कोई खबर। मैं कहती हूँ हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, जाके बात पक्की कर दो, नहीं तो तारा बेटा जिंदगी भर कंवारा रह जाएगा। बात में तो थारी भी दम है, बहनोई जी से बात करता हूँ इस छोरी के बारे में। तब तक वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और पक्का कर देवेंगे। अरे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, जाओ और जाके बात पक्की कर लो। 4-4 बेटियां हैं तारी बहनोई को, अगर एक बेटी की हमने शादी कर दी तो उसकी बेटी का उद्धार ही होगा। कहाँ मिलेगा ऐसा घर बार उनको? क्या खेल रही है हमारी लड्डो? कुछ नहीं मामा जी, बस अपने गुड्डे गुड़ियों की ब्याह करवा रही हूँ। तू इनका ब्याह सचमुच में क्यों नहीं करा देती? सचमुच की ब्याह? हाँ सचमुच का ब्याह। सचमुच क्या ब्याह? मारो मतलब है गाजे बाजे के साथ ब्याह।
हाँ मारे से गलती हो गई, पर मामा जी हमारे पास पैसे कहाँ है? पर तेरे मामा के पास तो है। चल तेरे गुड्डे गुड़िया का ब्याह सच में रचवा देते हैं। सच? अब बिल्कुल सच, पर उसके लिए हमें इनके लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, सामान जुटाना पड़ेगा और तेरे लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। हमारा मतलब है शादी का जोड़ा, और शादी के जोड़े में मारी लाडो एकदम गुड़िया दिखेगी। गुड़िया थारो मतलब मैं भी दुल्हन बनूंगी। हाँ ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। ओम सप्तस्य शन परिधाय स्त्री सप्तसमिधाः कृताः। अब आप दोनों बैठ जाइए। मारो को यकीन नहीं हो रहा, मारी इतने सालों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल गई। यकीन तो मारे के बिना हो रहा भाई साहब। देखो कहावत है ना, जोड़ी ऊपर वाला बनावे। ये बात बिल्कुल सही है। सही कहा। यो सब तो ठीक है बलबीर के बापू, पर दुल्हन के माता पिता कठे हैं। खबर भिजवाई थी, कोनो काम में रह गए होंगे, आते होंगे हैं? कोई बात नहीं, बाद में आ जावेंगे। भाईसा ने प्रमिला को गोद लियो है। लेकिन शादी ब्याह के मामले में तो बीनी के माता पिता का होना जरूरी है ना? अरे हम इसके मामा मामी नहीं, हम तो माँ बाप ही हैं, हमारी लाडो ही है। ओह नो। संभल कर, लगता है कोई याद कर रहे है। कई दिन से प्रमिला हमारे सपने में आ रही है, कहीं छोरी की तबीयत तो खराब ना है। क्या बोल रहे हो? मैंने कई बार शक्ति भाई साहब को फोन करने की कोशिश की हो, पर उनका फोन लग नहीं रहे हो। कहीं उन्होंने अपना नंबर तो नहीं बदल दिया? मैं भी प्रमिला से 3-4 महीने नहीं मिले हुए। मासा के गुजरने के बाद उसको मिलने का मौका ही ना मिला। अरे मैं तो खेती के काम में व्यस्त हूँ, पर तू तो माँ है, तन्ने तो उसकी खोज खबर लेनी चाहिए थी। तुम भी एकदम निर्दयी माँ की तरह मामा मामी के पास छोड़कर उसे बैठ गई हो। इसका मतलब ये है कि मेरी भाईसा नु गैर समझे है। आपको तो पता है ना कि उनको कोई छोरी ना है, प्रमिला को अपनी बेटी की तरह प्यार कर रहे होंगे और एक एक चीज का ख्याल रखे होंगे। अरे तारी बात ठीक है, पर प्रमिला भी तो दूसरों बच्चों की तरह हमारी बेटी है, उसका खोज खबर लेना तो हमारा फर्ज बने हैं। अच्छा ठीक है, चलेंगे हम उसे मिलने, पर अभी तो मुझे बहुत काम है घर में। प्रमिला के पिता एक किसान थे और उन दिनों खेतों में रोपाई बुआई का काम जोरों पर था, लेकिन जब से उनके पिता को प्रमिला के बारे में अपशगुन होने का एहसास हुआ, तब से वो बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कई बार प्रमिला से मिलने का प्रोग्राम भी बनाया, लेकिन खेतों के काम में उलझकर वो प्रोग्राम दिन पर दिन बढ़ता ही गया। उधर प्रमिला अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी में उस दिन ग्रहण लग गया। कट्ठे चलियो लाडो रानी, अब स्कूल जाना छोड़ और घर का काम काज सीख। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, अगर घर का काम काज सीखेगी तो अपने ससुराल वालों को खुश कर पाएगी, और थारी शादी करके हमने थारे माँ बाप का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है।
तूने मांग में सिंदूर नहीं भरा। तेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो हमारी उलाहना दे देकर हमारा जीना हराम कर देंगे। बहू अब तो उनकी है पर जिम्मेदारी मारी है। चल जा निकल, किचन में जाके काम कर। चल निकल। माजी सा, अदला बदली के चक्कर में मारा ब्याह तो हो गयो लेकिन छोरी इतनी छोटी से मारा गोना कब होगा? अरे बेटा तो चिंता मत कर, छोरी अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाने दे, तेरा गौना भी करा देंगे। हमारे को भी लागे है कि इतनी छोटी लड़की से इसकी शादी करा के हमने ठीक नहीं किया। अब आप ऐसा करो, जल्दी से इसका गोना करवा के छोरी को यहाँ ले आओ। अरे मारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। उसके लिए तो थारे को 3-4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अभी वो 8 साल की है, 3-4 साल 12-13 साल की हो जाएगी तब गोना करा के ले आएंगे। हाँ पर इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं? पर मारे को इसकी शादी से एक बात खटक रही है। क्या बात खटक रही है? शादी पे सब मेहमान आए पर इसके माता पिता नहीं आए, क्यों? अरे तूने पूछा तो था और उन्होंने जवाब भी दिया था कि उन्होंने छोरी को गोद लियो है। मारा दिल तो करे है कि छोरी को फट से गोना करा के यहाँ ले आवे। अरे यहाँ रहेगी तो थोड़ा घर का कामकाज भी सीखेगी और ये दोनों एक दूसरे को जान भी लेंगे। बात तो तू ठीक कहे लेकिन जब तक हम अपनी छोरी की शादी शक्ति की बेटी से ना करा देंगे तब तक वो गौना ना करेंगे। अरे पर हमने अपनी छोरी की मंगनी तो करवा दी है ना उनसे। मंगनी की है, शादी नहीं की है। श्रीमती जी थोड़ा सब्र करो, शादी हुई है तो गौना भी हो जाएगा। मैं मौका देखकर प्रमिला के मामा से बात करता हूँ। अरे सुनती हो, खेती को काम हो गयो और पैसों को भी इंतजाम हो गयो। मैं सोच रहा हूँ कल प्रमिला से मिल ही आते हैं। कल जब बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो प्रमिला के यहाँ जाने की तैयारी कर लेना ताकि बच्चे जब तक शाम को वापस आएं तो हम लोग भी वापस लौट आए घर पे। पढ़ने लिखने के लिए मना किया था मैंने तारे को, मारी बात तेरे भेजे में ना जावे है। थाली धोकर खाना लगाने के लिए कहा था ना, बहुत धीट है तू। ससुराल जाकर मामा मामी का नाक कटवाएगी तू। ताक क्या रही है? चलो उठ। मैंने सोचा पहले स्कूल का होमवर्क कर लूं, फिर घर का काम कर लूंगी। सोचने बहुत लगी है तू, बैरिस्टर तो बन नहीं सकती है। तेरे बाप की औकात नहीं है तुझे बैरिस्टर बनाने की, नहीं तो मारे पास सालों से छोड़कर नहीं जाता तेरे को मरने के लिए। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो। संभाल लिया आपने ये सारी चीजें? ले इसे भी मान। प्रमिला, 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 प्रमिला हमारी बच्ची। क्या है? लगता है आपको फिर से प्रमिला के सपने आए हैं। मन्ने लाग रही हो कि हमारी बच्ची सचमुच तकलीफ में है, मन्ने याद कर रही है। देखिए जी, बार बार आप एक ही के सपने देखते रहो ना तो वही इंसान के सपने बार बार दिखे हैं, दिन में भी रात में भी। वैसे भी हम कल जा ही रहे हैं,
तो उसे अच्छी तरह जी भर कर मिल लेना, देख लेना, प्यार कर लेना। अब सो जाइए, कल चलेंगे हम। सो जाइए। प्रमिला बचपन से ही पढ़ने में तेज तरार थी, इसलिए उसकी नानी उसकी और बहनों के बजाय उसे ज्यादा लाड़ प्यार देती थी। उनके घर में एक पोते के सिवाय और दूसरा कोई बच्चा नहीं था। यही वजह थी कि उसकी नानी ने प्रमिला को अपने पास बुलवा लिया था। लेकिन उसकी नानी की अकस्मात मौत के बाद कुछ दिनों तक तो उसके मामा मामी का नजरिया उसके प्रति ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने प्रमिला की शादी प्रमिला से दुगनी उम्र के लड़के से करवा दी और उस पर अत्याचार करने लगे। लेकिन एक बेटी का प्यार उसके पिता के मन में ये एहसास दिलाने में कामयाब रहा कि उसकी बेटी खुश नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके पिता को पता चलने के बाद क्या वो अपनी बेटी को उन जालिमों के चंगुल से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। तेरे को मैंने स्कूल जाने के लिए मना किया था ना? मारे को पढ़ना है मामी, मास्टर जी ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, सब बना के लेकर जाना है। के करेगी पढ़कर? छोरी अब तेरी शादी हो चुकी है, फेंको कॉपी किताब। मामा देखिए ना मामी। तेरी मामी बिल्कुल सही कह रही है, हैं? ये पढ़ना लिखना छोरों का काम होता है और छोरियों का काम होता है घर बार संभालना। चल अपनी मामी के काम में हाथ बटा। पर मारे मास्टर कहते हैं कि लड़कियां अभी लड़कों से कम नहीं है, मारे को पढ़ना है मामा जी। पढ़ने से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, नानी भी तो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए लाई थी। देखा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी, धीट एक नंबर की धीट है ये लड़की। आज ये हाल है इसका, बड़ी होकर ना जाने ये क्या करेगी। ए छोरी, मैंने कितनी बार बोला तारे को मांग में सिंदूर भरने के लिए, तारे को मेरी बात समझ में नहीं आवे क्या? तारे को नहीं भरना है मांग में सिंदूर। मास्टर जी कहते हैं कि बाल विवाह एक अपराध है, आप लोगों ने मेरे को धोखे से शादी कराया है। ए, चुप कर, बात बोलती है ये मास्टर वास्टर ना, सब झूठ बोलते हैं। अरे बाल विवाह हमारे पूर्वजों की परंपरा है और तेरी मामी का ब्याह तो तेरे से भी कम उम्र में हो गया था। चुपचाप जो तेरी मामी कह रही है वो कर। मारे को बाबा साहब के पास जाना है, मारे को घर भेज दो मामा साहब। बहुत पर निकल आए है तेरे, आज के बाद अगर तूने अपने माँ बाप का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक कप चाय भिजवा दियो। आज के बाद तेरे माथे पे हर वक्त सिंदूर रहना चाहिए, समझी? शक्ति और उसकी पत्नी की ओछी हरकतों ने प्रमिला के स्कूल जाने पर रोक लगा दी, साथ ही साथ उससे घर पर नौकरानी की तरह काम लेने लगे। जरा सी गलती होने पर उसे फटकारा जाता था, मारा पीटा जाता था। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते रहे और प्रमिला अपने मामा मामी के रौद्र रूप का शिकार होती चली गई। उसे इंतजार था तो बस अपने पिता का, वो हर दिन अपने पिता की बाट जोहती रही। बना लाई ये हलवा है। अरे इसे इंसान तो क्या कुत्तों भी ना खाओगे। जाने आज मैं तुझे बताती हूँ हमारे से गलती हो गई मामा।
मारे को मत मारना। चल हट। मारे को मत मार, मारे को मत मार। प्रमिला मेरी बेटी। क्या हुआ तन्ने बेटा? बोल मारे बच्ची। मारो को यहाँ से ले चलो बाबा, मारो को यहाँ से ले चलो। हाँ बेटी, हम तन्ने लेने ही आए। ये हाल बना रखा है मारी छोरी की। मारी भूल से नन्हे से बच्चे को आपके घर में प्यार दुलार के लिए भेजा था, और आप लोगों ने मारे बच्चे का ये हाल कर दिया। अगर मारी बेटी थारे पे बोझ बन गई थी तो मन ने बता दिया होता, मैं पहले ही इसे यहाँ से ले जाता। पर हमने तो थारे पास इसे प्यार पाने और प्यार देने के लिए भेजा था। ते लोगों ने तो मेरी बेटी का भिखारी से भी बदतर जिंदगी बना दी हो। कोई बुरा हाल नहीं बना रखा है छोरी का। तारी छोरी है तो हमारी भी भांजी है, घर का काम सिखावे है। और अगर घर का काम सिखावे में गलती हो जावे तो बच्चों को डांट दपट दे हुई है। इस तरह से सजा दी जाती है? आप ही बताओ, क्या ये छोरी घर का खाना बनाने या काम करने लायक है? अरे जिसे अभी तक ठीक से अपना नाक पोछना भी ना आवे, वो भला घर का काम के करेगी? सच तो ये मांग से किसने कराई तेरी शादी? ये बकरी है छोरी, ये बकरी है छोरी। अब भाया आप इतनी दूर से आए हो, हाथ पैर धो लो, नाश्ता करो, मैं सारी बात बताता हूँ आपको। नाश्ता पानी तो हमारी छोरी की दुर्दशा देखकर हो गई। बस भाई साहब, हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। आखिर आपने हमारी मासूम सी छोरी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? उसका ब्याह करा दिया और मुझे बताया तक नहीं। आखिर क्यों भाई साहब? सुनो, इस छोरी पे हमारा अधिकार है कि नहीं? वे हम भी कुछ लगे हैं इसके। हाँ भाई साहब, अधिकार है। ये लोग इसके मामा मामी हो, तभी तो इसे पढ़ने वास्ते छोड़ा था थारे पास। पर इसका ये मतलब नहीं कि थे छोरी का ब्याह करा दो मुझे बिना बताए। क्या करें भैया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कुछ सोचने समझने का टाइम मिला को नहीं। हम थारे पास आ रहे थे मशवरा करने के लिए, पर क्या है कि सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई मौका मिला ही को नहीं। अरे कौन सी ऐसी जल्दी पड़ी थी 8 साल की छोरी की ब्याह करने के लिए? सब बता दूंगी, पहले चाय पानी तो कर लो। मैंने तारी छोरी का ब्याह बहुत बड़े घर में किया है, राज करेगी राज। हाँ। पहले चाय पानी तो कर लो। मारी छोरी की शादी कराने से पहले एक बार मन्ने से पूछ तो लिया होता। भाई थारे भाई ने थारे को फोन किया था, पर तारा फोन का टावर ही ना लागे है। देखो मैं थारा दुश्मन को नहीं, अरे मामा हूँ उसका, अपनी छोरी की तरह प्यार करूँ उसको। रिश्ते की के समझे उसे भाभी सा। अब जो होना था तो हो गया, शादी हो गई, अब तो कबूल करना पड़ेगा। सोच, हमेशा तारे को खेती में घाटे हुए, तीन तीन बेटे की शादी कैसे करेगी?
बच्चे तो भगवान का रूप हो गए हैं भाई साहब, अब वो ही रास्ता दिखावेगा। अरे ये सब बातें कहने की हैं। अरे परमिला की ससुराल खानदानी है, खानदानी कम से कम उसके दूल्हे को ही देख लेती, पता नहीं किस कुल गोत्र का है वो। अरे मन ने उसकी सात पीढ़ी की कुंडली देख ली है, लड़का एकदम होनहार है, होनहार। किसी शराब सिगरेट का अमल नहीं है। अरे उसके बाप के बारे में तो पूछा कौन नहीं। अरे पूरे इलाके में नाम है उसका। चिंता मत करो, बड़ी होके बहुत खुश रहेगी, वहाँ राज करेगी राज। एक बार उनसे मिल लेते तो अच्छा होता। भाई थारे समधी समधन है, थारा दामाद है, थारे को मिलने से कौन रोकेगा। अरे मैंने जग्गू को भेजा उन्हें लिवाने के लिए, आप खुद बात कर लेना, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। अब तो उनसे मिलकर ही जावेंगे। भाई साहब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब जैसे जग्गू मारा बेटा वैसी ये परमिला भी मारी बेटी है। आप माँ बाप हो, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आपके सीने में दर्द तड़प, इसीलिए आप इसे ले जाना चाहते हो, पर वो क्या है कि थोड़े से मारी भी इज्जत का ख्याल कर लो। वो क्या है कि इसका चचिया ससुर और सास जो 10 साल पहले आसाम में चले गए थे ना रहने के लिए, वो खास तौर से इससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अब एक बार वो मिल रहे हैं, उसके बाद इसे मैं खुद आपके पास छोड़ जाऊंगा। थोड़ा सा माह मान रह जाएगा। तेरे मामा ठीक कह रहे हैं बेटी, अगर आज हम तुझे यहां से ले गए तो इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू कुछ दिन और रह जाए यहां बेटा, अपनी चचेरी सास से मिल ले, उसके बाद आकर हम तुझे ले जाएंगे बेटा। बेटा परमिला खुश होकर अपने माँ बापों को विदा करो, हैं? घर पे तेरी बहन इंतजार कर रही होंगी। अब भाई साहब अब देर मत करो, आखिरी बस अगर छुटकी तो बालक इंतजार करेंगे, हैं? बाप जब से गए तूने तो खाने भी त्याग दिए हो, थारे अभी से ये नखरे है तो बड़ी होके के करेगी। ले खाना खा, घर में बहुत सारे काम पड़े, कर देना, समझी? और इस तरह शक्ति और उसकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से मीठी बातें कर प्रमिला को उसके माता पिता के साथ जाने ही नहीं दिया। पर घर पर जब सरोज पहुंची तो उसका मन प्रमिला की तरफ ही खींचा चला जा रहा था, और कभी हालचाल पूछने के लिए जब भी संध्या और सरोज प्रमिला को कॉल करते थे तो शक्ति हमेशा प्रमिला को ठीक ही बताता था, और अगर बात भी करवाते थे तो हमेशा शक्ति और उसकी पत्नी प्रमिला के पास ही खड़े होते थे। और प्रमिला इस डर के कारण अपना दर्द अपने माता पिता को बता ही नहीं पाती थी। इस तरह सप्ताह और महीने बीतते चले गए, और उस दौरान कई बार प्रमिला के पिता प्रमिला को लेने के लिए आए, लेकिन शक्ति और उसकी पत्नी ने तरह तरह के बहानेबाजी कर प्रमिला को उनके साथ जाने ही नहीं दिया। और इस तरह प्रमिला तकरीबन 1 साल तक शक्ति, उसकी पत्नी और जग्गू का अत्याचार सहती रही। पर लोग कहते हैं कि दुआएं और बददुआएं हमेशा इंसान का पीछा करती है, और शक्ति को भी अब तक एक बच्ची और उसके माता पिता की आह लग चुकी थी। एक दिन न्यूज पढ़ते वक्त उसे दिल का दौरा पड़ा, और जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाते तब तक वो दम तोड़ चुका था। यही मौका था जब प्रमिला अपने घर से भाग जाने में सफल हुई। गली कूचे और सड़कों के रास्ते होते हुए वो अपने गांव जा रही थी कि अचानक तभी ठहर जा, कन्ने भाग रही है मारे को छोड़ के। शक्ति अंकल मर के गए हो, थारे को भागने का मौका मिल गया, घर चल। तारे को ऐसा सबक सिखाऊंगा, भागना तो दूर, चलना भी भूल जाएगी।
हमारा हाथ छोड़ो, हमारे को बाबा के घर जाना, हमारा हाथ छोड़ो। दम है तो हाथ छोड़ा के दिखा। ये दम करती है? तू चुक गई? कहाँ गई? सुमेरगंज गांव किधर है? अजी कौन है? इतने रात को कौन आए हो? तो देखो जाकर। अम्मा देखो। परमिला हमारी बच्ची क्या हुआ बेटा? हमारी बच्ची इस वक्त? अरे हाँ हमारी बच्ची, हमारी बच्ची देख के बेटा, देख देख के लेट ले बेटा। पानी पानी जल्दी से पानी ला छोरी के लिए। ले बेटा पानी पी ले, और पानी पिए के छोरी सुन एक काम कर, बच्ची ने नमक चीनी का घोल लिया जल्दी से। अभी ले आती। लेट जा बेटा लेट जा। ये हाल बना दिया हमारी छोरी का जालिमों ने। जग्गू की माँ, जग्गू की माँ के भयो समाज में हमारी नाक कटा के पूछियो है कि के भयो हमारी बिंदुली कटे। चिंता मत करो आज आवेगी, अपने माँ बाप के घर गए हो। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे गोद लियो, फिर वो हमारे आंखों में बालू फेंक के कैसे भाग गयो? अरे उसको मायके जाना ही था ना, तो भाग के नहीं मारे छोरे के साथ गाड़ी में जाती। हमारे को तो पहले शक हो रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने शादी के समय पूछा था कि लड़की के माँ बाप दिखाई ना दे रहे। आपके पति ने कहा था कि हमने उसे गोद लियो है। समझन जी मारी एक बात सुन लो, जब तारी छोरी मारे घर ना आवेगी तो मारी छोरी भी तारे घर ना जावेगी। देख प्रमला की बातें तो हम देख लेंगे। अरे हमने शादी की है मजाक नहीं, समाज में हमारा भी मान सम्मान है, समझ गयो? चल से अनार, से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। बाबा साहब मुझे भी पढ़ना है। तुझे भी पढ़ना है हमारी छोरी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए माफ कीजिएगा, मैंने थारे को पहचाना नहीं। अजीब, मैं आपका समधी मनमोहन प्रताप। ये आपकी समधन अंजना प्रताप। अजी आपका दामाद बलवीर प्रताप। जब से हमें पता चला है कि हमारी बहू आपके साले के घर से भाग आए हो, हमें चिंता सताए जा रही है।
हमें यह जानकर और दुख भयो है कि आपके साले ने आपकी छोरी की शादी मारे छोरे के साथ आपको बिना बताए करा दी हो। शादी के समय हमने आपको बहुत ढूंढो और उन्होंने आपको मिसगाइड किया। समझी जी, अब जो भयो सो भयो, आपकी छोरी का संबंध मारे छोरे के साथ हो चुको है, ये बात पूरा समाज जाने हैं। उनसे जो गलती भयो, मारे से जो गलती भई, माफ करो, आज ये रिश्ता कबूल करो। आप देखिए, अभी मारी छोरी की तबीयत ठीक ना है, उसी को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हमें थोड़ा सोचने का समय दीजिए। अरे तो हम कौन सा अभी उसका गोना करवाने आए हैं? हम तो आपसे मिलने आए हैं, आपकी पत्नी से मिलने आए हैं और हमारी बहू रानी से मिलने आए हैं। देखिए, भगवान के लिए मारे को क्षमा कीजिए, अभी मारी छोरी पढ़ना चाहती है, फिर कानूनन हम अभी उसका गौना भी तो नहीं कर सकते। उसे बड़ा हो जाने दीजिए, फिर हम इस विषय में कुछ सोचेंगे। कोई बात नहीं, जब बहू बड़ी हो जाएगी ना, तब हम ले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, नमस्ते। प्रमिला के माता पिता ने बलबीर के माता पिता को समझा बुझा कर भेज तो दिया, पर अपनी बेटी की भविष्य की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। प्रमिला बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी छात्रा रही थी। उसने एक साल से छोड़ी हुई पढ़ाई को रात दिन मेहनत करके पूरा कर लिया। उसकी इस पढ़ाई में उसके पिता ने भी उसका भरपूर साथ दिया। इस बारे में जब बलबीर, उसकी माँ और उसके पिता को पता चला तो वे सब लोग जल भून गए। फिर क्या था, वे लोग आए दिन सरोज को उसके गौने की बात करते थे। ससुराल वालों के इतने प्रेशर और धमकी के बावजूद भी प्रमिला अव्वल नंबरों से मैट्रिक पास की। प्रमिला के पढ़ाई करने से बलबीर अंदर से जल भून चुका था, क्योंकि वो खुद पांचवी फेल था। प्रमिला की पढ़ाई रोकने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। वो बार बार प्रमिला के घर जाता और गौने के लिए उस पर दबाव डालता, यहां तक कि उसने प्रमिला के पिता को डराया धमकाया भी, और हर बार की तरह प्रमिला के पिता उससे आगे की मोहलत लेते रहे। और इस तरह 2 साल बीत चुके थे। इस बार प्रमिला ने 12वीं की परीक्षा दी थी और अब उसे इंतजार था तो उसका रिजल्ट आने का। कल मंडी से फोन आयो थो, बाजरे का अच्छा रेट दे रहे हैं। सोच रहा हूं कि इस बार की फसल उन्हें ही दे दूं। बाबा साहब, आप मुझे इनाम दो। किस बात के इनाम छोरी? आपकी बेटी ने परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है, ये देखो। अरे वाह, छोरी की बात। इस बार तो खाटू राम जी के दरबार में माथा टेकने जाऊंगा। राम राम समझे जी, मारे को देख के मन क्यों भारी हो गए हो? बहुत पढ़ाई लिखाई का बहाना हो गए हो, बहुत थारी हाथ पैर जोड़ ली मैंने, अब सीधी तरह से मारी बिजली का गौना करो, नहीं तो मारो को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ोगे। गौना करने से पहले मैंने तारे छोर से कुछ बात करनी। जी हाँ, मन्ने थायर छोरे से कुछ बात करनी है और वो भी अकेले में। अरे क्या बात करनी है? अरे बात करनी तो कर लेना, लेकिन बाबा साहब बात क्या करना है इसने? अरे थारे को खाना जाएगी। ठीक है, बात करनी है ना, हम लोग अंदर जा रहे हैं, तू बात कर, चल चल।
बोल छोरी, के बात करना चाहे तू? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बोल तन्ने, मंजूर है? फिर तू अपनी पुरानी राग आलापने लगी? अरे बात थारी समझ में ना आवे, शादी करके तुझे चूल्हा चौकाई तो करना है, मेरी माँ साके सेवाई तो करनी है, अरे दो चार बच्चे पैदा करने हैं तुझे, ये पढ़ाई लिखाई का फितूर अपने दिमाग से निकाल दे, गौना करके मेरे साथ चल, रानी बना के रखूंगा तुझे अपने, रानी। नहीं, मुझे अपने पैर पे खड़े होके अपने माँ बाप की सेवा करनी है और तुझे मेरा साथ देना होगा। इसका मतलब तू मुझसे अपने माँ बाप के पैर दबाना चाहती है, गुलाम बना के रखना चाहती है मुझे? जी नहीं, पैर दबाने के साथ साथ और भी कई सारी समस्या होती है, मेरे परिवार का मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये नामुमकिन है छोरी, थारे को साफ साफ बता रहा हूँ, थारे को आगे पढ़ने की कोई जरूरत ना है और ना ही थारे को थारे माँ बाप से मिलने की कोई इजाजत है। वैसे भी बहुत कड़क जवान लग रही है तू, कॉलेज में दो चार दोस्त तो होंगे ना तेरे? बोल ना, चुप क्यों खड़ी है? जाहिल गवार, मुझे पता था कि तेरे दिमाग में ना यही सब चल रहा है, गंदी नाली के कीड़े। मैं मर जाऊंगी पर तुझ जैसे गवार जाहिल शक्की इंसान से कभी गौना नहीं करूंगी। चल चल अब निकल यहां से। ए छोरी, थारी इतनी हिम्मत तुम्हारे छोरे पे हाथ उठावे? बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुम्हारा ये नाटक। क्यों? यो औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है कलंक। बहू बेटी को किस तरह से रिझावे जावे, अपनी मान मर्यादा ऊंची रखने के लिए किस तरह से मीठी मीठी बातों में पिघलावा जावे, कुछ पता है क्या तुझे? बस गिरभप क्या देनी आती है। हे छोरी, चुप रहो। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मैं गौना करके तुम्हारे घर आऊं? अब ये सपना सपना ही रह जाएगा। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगी। हे भगवान, पता नहीं मारे छोरी को क्या हो गया है। देखिए, हम लोग गौना करने को तैयार हैं। मैं उसे बात कर लेती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, अब जो कुछ भी होगा पंचायत में होगा। चलो भगवान, आपके होगा। तू पागल हो गई क्या छोरी? तेरे बापू साले तुझे इसलिए पढ़ाया लिखा है कि तू अपने पति को थप्पड़ मारे? कौन पति? कैसा पति? मासा वो मेरा पति नहीं है, खबरदार जो आप लोगों ने उसका नाम मेरे साथ जोड़ा। छोरी, तूने उसके ऊपर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। ये सब थारा किया धरा है। अरे मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी इसे पढ़ाने की? तुम चुपचाप रहो ना, मैं इससे बात कर रहा हूं। बेटा प्रमिला, तूने जो भी किया बहुत गलत किया बेटा। अरे अपने माँ बाप की लाचारी और मजबूरी को समझो बेटा, वो लोग ताकतवर इंसान है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। और बाबा साहब, मैं उनसे लड़ूंगी।
मैं अब उनसे डरने वाली नहीं हूँ। लो अब ये लड़ेगी। आपकी छोरी झांसी की रानी बन रही है। ये सब पढ़ने गई थी तो स्कूल? हाँ तू नहीं जाने ये छोरी जिसके हाथ में लाठी होवे ना उसका बैल होवे। माजी साहब जमाना बदल गया है आपको नहीं पता। मैं उसे भी छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा नहीं क्या बापू साहब? वो लड़की ने हमें मार के अच्छा नहीं क्या बापू साहब? कुछ तो करना पड़ेगा। आपसे कुछ ना होगा मां साहब, आपसे कुछ ना होगा। पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि उस लड़के को उठा के ले आते हैं लेकिन आप तो उसके जवान होने का इंतजार कर रहे थे। दिखा दिया जवानी अपनी उसने, आपके बेटे की इज्जत की मट्टी पलीत कर दी उसने। बेटा एक बार गौना हो जाने दे फिर तो अपनी पूरी कसर निकाल लियो। गौना होगा तब ना बापू साहब, बातें नहीं सुनी आपने उसकी? सुनी है, हमने उसकी पूरी बातें सुनी है। अब हम उसे दिखाएंगे। बेटा तूने कहावत सुनी है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। उसके मुंह से थारी जुत्ती ना उठवाई तो मनमोहन मेरा नाम नहीं। उसने थारे मुंह पे थप्पड़ मार के अपनी मुसीबत बुलाए हुए। बहुत घमंड है ना उसे अपनी पढ़ाई पे। जब तक सारे समाज के सामने उसका घमंड नहीं तोड़ दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे छोरी की इतनी हिम्मत कि अपने मर्द पर हाथ उठा दी? गलती हो गई मारी छोरी से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगू। मुझे कुछ कहना है। थारे को बोलने की इजाजत ना है छोरी। तू गांव की बेटी है तो बेटी बनकर रहे, बेटा बनने की कोशिश ना कर। तूने अपने पति को थप्पड़ लगाकर जो गलती की है ना उसका दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ भाई सरोज, तू मानता है कि तारी छोरी की शादी बलवीर के साथ हुई है? मुझे बताए बिना मेरी बेटी की शादी तय कर दी। मुझे तो शादी में बुलाया तक को नहीं। तो इसमें मारा क्या कसूर? अरे हमने तो शादी में पैसों खर्च किए थे हैं? ये बात हमने पंचों को पहले ही बता दियो है। मारे को इंसाफ चाहिए। अब ये सब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। पंचायत अपना फैसला सुनाती है, या तो अपनी बेटी का गौना इनके बेटे के साथ करा दो या फिर 9 लाख रुपए का जुर्माना भर दो। पंचायत आपको 1 महीने का मोहलत देती है। चलो
पंचायत में बैठे 7 गांव के पंचों को बाल विवाह से कोई परहेज नहीं था। उनके मुताबिक तो बाल विवाह समाज का एक हिस्सा है। प्रमिला के पिता ने पंचों को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश भी की, पर उन्होंने फैसला बलबीर के हिस्से में सुना दिया। पंचों ने यह फैसला सुनाया कि 15 दिन के अंदर प्रमिला के पिता या तो अपनी बेटी का गौना करें और या फिर शादी में खर्च हुआ 9 लाख रुपया बलवीर के परिवार को लौटाए। फिर क्या था, दिन पर दिन बीतते चले गए और प्रमिला के पिता इसी चिंता में डूबे रहते थे। सुनो जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि छोरी का गहना कर देते हैं, वहां ले जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 लाख रुपए हम कहाँ से ले आएंगे? उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वह हमें जात बिरादरी से बेदखल कर देंगे। कहाँ से लाएंगे हम, आप ही बताइए। तो तू क्या चाहे, छोरी ने उन दुष्टों के हवाले कर दें? इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। आप खुद ही सोचिए, हम अपनी छोरी को लेके चलते हैं और माफी मांग लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा साहब, मैं मर जाऊंगी पर उसके घर पे कदम नहीं रखूं। तू चुप कर। बाबा साहब, मैंने इस छोर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो एक नंबर का शराबी और जुआरी है। अगर आप लोगों ने मुझे इसके घर भेजा तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। इस छोरी को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि इसके बाबू साहब किसान हैं, कहां से ले आएंगे 9 लाख रुपए। मैं आपको अभी भी कह रही हूं, इसे लेके चलते हैं, माफी मांग लेते हैं, गुआना कर देते हैं। एक बार सोच लीजिए। उसे पता नहीं था कि चील के घोंसले में मांस तो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। मारी बिल्ली और मारे कोई म्याऊं, ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि वो छोरी कैसे गोना करा के यहाँ नहीं आती। उसके थप्पड़ की गूंज अभी तक मुझे सुनाई दे रही है। छोड़ूंगा नहीं उसे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। उसने थप्पड़ तारे गाल पे नहीं, मारे गाल पे मारी है। अरे जैसे इतने साल तक इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार कर ले। वो कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होवे है। अरे वो गौना करा के यहीं आवेगी, 7 जन्म निकल जावेगा, फिर भी 9 लाख रुपया इकट्ठा ना हो पाएगा उनसे। 9 लाख नहीं बाबा साहब, पंचों को भी तो देने हैं, उसकी भी तो वसूली करनी है। धीरे बोल, भांडा फूल जावेगा। एक बार गौना करा के आ जाने दे, धूर धूर जमीन ना अड़प ली तो मनमोहन मेरा नाम नहीं। मुझे पता था कि तेरे दिमाग में ना यही सब चल रहा है, गंदी नाली के कीड़े। मैं मर जाऊंगी पर तू जैसे गवार जाहिल शक्की इंसान से कभी गौना नहीं करूंगी। बहुत
हाथ चलता है थारा। पंचायत में थारे और थारे बाप की इज्जत ना उतार देना। हमारा नाम भी बलबीर ना सया। चुपचाप बटे से चले जा वरना वरना के क्या कर लेगी तू। उस दिन ये एक गल रह गए तो यो भी आज पूरा हो गया। चलो छोड़ छोड़। ए क्या हो रहा, चलिए छोड़िए लड़की को। शर्म नहीं आती आपको रास्ते में लड़के उछेड़ते हुए? मास्टर जी हमारी लुगाइस है। अरे लुगाइस का मतलब पता है? अरे मेरे को पता है, आपने धोखा देकर इससे ब्याह किए हो, जो कानून अपराध है। अब आप यहां से सीधी तरह जाते हो या मैं लोगों को बुलाऊं? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी मास्टर जी? एक ना एक दिन तो कटना ही पड़ेगा। अरे चलिए चलिए रास्ता ना पिए, निकलिए चलिए। कटना पड़ेगा, जाइए। देखो बेटी, ये दुष्ट तुम्हारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, मैं एक एनजीओ चलाने वाले को जानता हूं, मेरे पास कार्ड होगा, मैं कल ही मिल के आया उनसे। हाँ ये लो, तुम इनसे जाकर मिलो, हो सकता है वो लोग तुमको मदद करें, क्योंकि ऐसे लोगों को वही सीधा करते हैं। थैंक यू मास्टर जी। जाओ जाओ बेटी जाओ। इस घटना के बाद से बलवीर जख्मी नाक की तरह प्रमीला को कभी रास्ते में रोककर तो कभी उसके घर जाकर उसे तंग करने लगा। उसे छेड़ता था, फोन पर अश्लील बातें भी करता था। और इससे भी काम नहीं चला तो उसने पंचों को पैसा खिलाकर प्रमीला के घर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि या तो वो अपनी बेटी का गौना कर दे या फिर शादी में खर्च हुआ 9 लाख रुपया लौटा दे। फिर क्या था, परिवार पर दबाव के चलते प्रमीला के पिता की आंखों की नींद उड़ गई थी। प्रमीला की माँ अपने पति को इस हालात में देख नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि प्रमीला की माँ प्रमीला का गौना बलवीर के साथ कराने के लिए अपने पति को मनाने में कामयाब हो चुकी थी। पर कहते हैं ना, जहाँ पर उम्मीद खत्म होती है वहीं पर हार की शुरुआत होती है, पर जहाँ हौसला बुलंद होता है वहीं पर जीत का डंका बजता है। प्रमीला की जिंदगी में मास्टर जी उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए। पर क्या प्रमीला की सारी मुसीबतें खत्म हो पाएगी? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। प्रमीला, ओ प्रमीला, कटे गई है कुड़ी, ये किधर गई छुरी? सुबह सुबह दिखाई नहीं देवे, दिखाई ना देवे छुरी। प्रमीला, ओ प्रमीला। यह सूर्य भगवान। अरे सुनते हो जी, तारे लाडले घर में ना है, चारों तरफ देख लिया है मैंने। के बोल रही है तू? हाँ सुनिए जी। कहिए। मुझे शालिनी मैम से मिलना है। जी शालिनी मैम तो है नहीं, दिल्ली गई हैं और 3 से 4 दिनों के बाद आएंगी। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी मेरा नाम प्रमीला है, मेरी बचपन में शादी कर दी गई थी। क्या खेल रही हो हमारे लड्डो? कुछ नहीं मामा जी, बस अपने गुड्डे गुड़ियों की ब्याह करवा रही हूँ। तू इनका ब्याह सचमुच में क्यों नहीं करा देती? सचमुच के ब्याह? हाँ सचमुच का ब्याह। सचमुच क्या ब्याह? मारो मतलब है गाजे बाजे के साथ ब्याह। सच? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूका विश्ववेदा। तेरे को मैंने स्कूल जाने के लिए मना किया था। मास्टर जी कहते हैं कि बाल विवाह एक अपराध है, आप लोगों ने मेरे को धोखे से शादी कराया है। ए, चुप कर, बात बोलती है ये मास्टर। मास्टर है ना, सब झूठ बोलते हैं।
आज के बाद तेरे माथे पे हर वक्त सिंदूर रहना चाहिए, समझी? क्या बात करना चाहे तू? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। थारे को आगे पढ़ने की कोई जरूरत ना है, कॉलेज में दो चार दोस्त तो होंगे ना तेरे। अरे छोरी की इतनी हिम्मत कि अपने मर्द पर हाथ उठा दी? पंचायत अपना फैसला सुनाती है, या तो अपनी बेटी का गौना इनके बेटी के साथ करा दो या फिर 9 लाख रुपए का जुर्माना भर दो। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत। मामला बड़ा जटिल है और इस काम को सिर्फ और सिर्फ शालिनी मैम कर सकती हैं, और उन्हें आने में वक्त लग जाएगा, और आपके पास वक्त है नहीं। आप एक काम करिए, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, ये दूसरी संस्था का कार्ड है, आप यहाँ पर जाइए, ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं। जी धन्यवाद। शुक्रिया। इस तरह से भूखी प्यासी प्रमिला कई सारे एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के चक्कर लगाती रही, और दूसरी तरफ प्रमिला के अचानक घर से गायब हो जाने पर प्रमिला के माँ बाप का बिरादरी वालों ने जीना मुश्किल कर रखा था। उन पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते और बिरादरी से बाहर निकालने की धमकियां तक दी जाती, और साथ ही साथ बलबीर और उसके माता पिता को ये लगने लगा था कि लड़की तो हाथ से गई पर कम से कम 9 लाख रुपए तो वसूल किए जाए। पर एक प्रमिला ही थी जिसकी उम्मीद अभी तक जिंदा थी। तुम्हारी व्यथा सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने दिन तक तुमने इस जल्लाद को झेला कैसे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर तुम डरो नहीं, डरेगा अब वो। जो लड़ाई तुमने शुरू की है उसे अब हम खत्म करेंगे। तुम जैसी बहादुर और निडर लड़की पर हमें गर्व है। एक मिनट रुको। नमस्कार। नमस्कार सर, उषा माथुर बोल रही हूँ, 2 मिनट बात कर सकती हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सर एक मजबूर और प्रताड़ित हो रही लड़की का केस आया है। उसको बोल दीजिए कोई गलत स्टेप ना उठाए, मैं पुलिस को भेजता हूँ। सर वो आज सुबह ही आई है और उसने हमें सारी कहानी बताई। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी पता नहीं माँ जी सा और बाबा सा का क्या हाल होगा। प्रमिला तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी अभी अभी डीएम साहब से बात हुई है, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो प्रमिला तुम चिंता बिल्कुल मत करो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। दीदी क्या मैं आपकी संस्था की मेंबर बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकती हो, क्यों नहीं बन सकती। तुम जैसी लड़की हमारे साथ काम करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ काम कर रही है, पर पहले जिस काम के लिए तुम आई हो वो जरूरी है ना। देखो प्रमिला जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, घने अंधकार के बाद ही सूर्य की लालिमा आती है, प्रकाश आता है। तुमने जिस दुख को इतने सालों तक झेला है अब वो बस खत्म हो गया है, और तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आने वाली हैं। चलो चलो थोड़ा हंस दो। वेरी गुड। आप यहां बैठे हो, मैंने किधर किधर नहीं ढूंढा, कुछ तो बोलो ना। अरे के बोल, किस्मत ने मारे को कुछ बोलने लायक छोड़ा ही ना है। किस्मत को दोष ना दो, सारा दोष हमारी छोरी का है। मारे जरा भी पता होता कि बड़ी होकर मारी छोरी माँ बाप की पगड़ी नीचे गिरा देगी तो उसे बचपन में ही नमक चटाकर मार दिया होता। अरे जी तो चाहता है कि आत्महत्या कर लूं, बच्चों की याद आवे
दो दिन बाद सरपंच को के जवाब दूंगा। कुछ समझ में ना बोलो, ऐसे मत बोलो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे मत सोचो भी मत। लोग कहते हैं कि चारों ओर से हार जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। हे भगवान, कृष्ण का नहीं है, जैसे तूने अपने द्रौपदी की लाज बचाई थी वैसे मेरे घर को ही बचा ले, मेरी लाज रख ले, मेरे घर की लाज रख ले। हे भगवान, मेरे घर को बचा ले, मेरी मेरी घर की लाज बचा ले। हेलो, हाँ भाई साहब, राम राम। न्यूज तो मिल गई होगी। न्यूज तारे को पता नहीं? अरे तेरी लुगाई फुर हो गई। क्या बात कर रहा तू? भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तारे लुगाई किसी छोड़े के साथ भाग गई है। मासा, बाबा साहब। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे लूट गए, बर्बाद हो गए, और आप पूछ रहे क्या बात हो गई? अरे छोरी घर से भाग गई। छोरी घर से भाग गई? हाँ, छोरी घर से भाग गई। आप दोनों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे बेटा, अगर छोरी भाग गई तो क्या हुआ? उसका बापू तो है ना? मैं उसके बापू से 9 लाख रुपए वसूल करूंगी, और देखना उससे भी अच्छी छोरी से तेरी शादी कराऊंगी। हाँ, पिछले कई सालों से ही सुनता रहा हूँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ ना होगा आप लोगों से। बापू साहब, अब मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, कह दे रहा हूँ आपसे, छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को मैं। बेटा सब्र कर, एक दिन रुक जा, हमारी पंचों से बात हो चुकी है। ये अंश पंच कुछ ना कर पाएंगे बापू साहब, जो करूंगा मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पंच से बात हो गई है। अरे कटा है थारी बिटिया, तुमने किसके साथ अपनी बेटी का मुंह काला करने के लिए भेजी हो, बोल। अरे कटे गई तारी अफसर बिटिया, अरे हम मर गए थे के? सुना है तारी बिटिया अफसर बन रही है? मारी लुगाई मारे पे हाथ उठायो, कसम भगवान की बोटी बोटी ना नोच खायो तो मारे नाम का कुत्ता पाल लियो कुत्ता। भैया ऐसे छोरे ने जिंदा जला डालना चाहिए। वो सिर्फ इसके मुंह पर नहीं, सारे समाज के मुंह पर कालिक पोत के गए हो। ये आदमी हमारे समाज में रहने के लायक नहीं रहे हो, और मुंह काला करके गांव के बाहर निकालो। ये लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मारी छोरी ने मारे को मुंह दिखाने लायक कहीं का नहीं छोड़ा। लोग समाज हो, जो हुकुम करोगे मन ने मंजूर होगा। तू इन्हें 9 लाख रुपए दे रही है? 9 लाख? मारी हुजूर इतनी औकात ना, मैं एक गरीब किसान हूँ, 9 लाख कट्ठे से दूँ। अरे मारे को तो पहले से पता था, इसका मुंडन करके गांव से बाहर निकालो। नाई किधर है? मुंडन करो उसका। इसका सिर मुड़ दो। ऐसा जुल्म मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पर। जब थारी बिटिया मारे पे जुल्म कर रही थी तब कहां थी तू? मुंडन कर इसका, ये समाज में रहने के लायक नहीं है। गई थी, हाँ तेरे
मेरे बाबा की क्या हालत कर दी है, देख तो। थारी हिम्मत कैसे हुई मारे बाबा के साथ ऐसा बिहेव करने की? ए छोरी, पुलिस को देख के ताव दिखावे? मैडम जी, ये छोरी मारे छोरे को मार रही हो है। चुप, आवाज नीचे कर वरना डाल दूंगी अंदर तुम्हें। बाबा साहब, इन जालिमों ने आपके साथ इस तरह से सुलूक किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। आप बताइए ना, किसने आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया, बताइए। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? जबान में लकवा मार गया क्या? ए छोरी, क्या ये है? क्या हो रहा है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? इन अपराधियों का साथ दे रहे हो? आपको पता होना चाहिए बाल विवाह कानूनी अपराध है जो इस राक्षस ने किया है। इसे सजा देने के बजाय आप इस बच्ची का जीवन नरक कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी गहराई से सोचा है कि एक बेटी को विवाह के बाद अपना स्थान छोड़कर अपने पति के स्थान पर जाकर रहना पड़ता है, वो भी मजबूरी से, जहां वो सब भूमिकाएं निभाती है जिनके लिए मानसिक रूप से वो बच्चियां तैयार नहीं होती, और उसका नतीजा क्या होता है? रिश्तों में दरार पड़ जाती है। आप लोगों ने कभी गहराई से सोचा है कि एक बेटी को विवाह के बाद अपना स्थान छोड़कर अपने पति के स्थान पर जाकर रहना पड़ता है, वो भी मजबूरी से, जहां वो सब भूमिकाएं निभाती है जिनके लिए मानसिक रूप से वो बच्चियां तैयार नहीं होती, और उसका नतीजा क्या होता है? रिश्तों में दरार पड़ जाती है। और इन सब के चक्कर में उस बच्ची का बचपन तो खत्म हो ही जाता है, साथ में सीखने और खेलने की आजादी भी चली जाती है, और साथ साथ HIV जैसे कई भयानक रोगों का शिकार भी हो जाती हैं कई बच्चियां। हम लोग इनके घर ना गए थे, इनके मामा खुद मारे घर आए थे। वो गलत करेंगे तो क्या आप भी गलत करोगे? लेकिन ये सब हो कह रही हो है? मैंने तेरे को इजाजत दी बोलने की, हैं? फिर तू बोला कैसे? कैसे बोला तू? ये सब तो जस्ती हो रही हो। कौन बोला? अरे मैंने पूछा कौन बोला? हाँ तो तू क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर की बिंदली है, हमारे छोरे के साथ इसका ब्याह भयो है। अब जब गौने की बारी आई तो अपने बाप के साथ मुकर रही हो है। आपने छोरा की शादी कब की थी? बचपन में। अरे कौन से युग की बात कर रही हो है? इंस्पेक्टर साहब, इसे भी अंदर डालो। मुझे लगता है लड़के से ज्यादा अपराधी तो ये खुद है। एक मिनट जरा बात करने दीजिए। हाँ तो भाई, क्या बोल रही है तू? शादी बचपन में भाई हुए। अरे कौन से युग की बात कर रही हो है? पगले मत जाग, अट्ठे देख अट्ठे। मैं पूछ रहा हूँ तारा छोरा की क्या उम्र थी? अभी तो 30-32 को ला गया थारो छोरो। चल एक बात बता, जो थारो छोरो और ये छोरी की उम्र में अंतर को नहीं लागे तने? हाँ बताओ, तुमने जब ब्याह किया था इसका तब कितने साल का था ये? मैं बताती हूँ, तब ये 18 साल का था और मेरी उम्र 8 साल थी। को कानून का कुछ पता भी है, हैं? मैंने नहीं की हो, वापस आपने करवाए थे। वो शक्ति खुद रिश्ता लेकर आया था, मैं नहीं गया था। और आपने एक बच्ची के साथ अपने जवान बेटे की शादी कर दी? आपको उस बच्चे पे जरा भी तरस नहीं आया? चल छोड़। सुना है गोणा नहीं करने पर 9 लाख रुपए देने मांगे? मैंने नहीं, पंचायत ने फैसले किए थे। अच्छा,
पंचायत ने फैसलो की है। किसने फैसलो किया है 9 लाख रुपए देने का? हाँ, अरे मैंने पूछा किसने फैसलो किया है 9 लाख रुपए देने का, कोई बताएगा? ससुरे एक एक को अंदर डालकर फुर्सत से तोड़ूंगा। एक शरीफ आदमी को परेशान करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आवे? चलो अटे से। मैंने कहा दफा हो अटे से। तो भाई तू कट्टे जा रहा है? तेरे को जाने के लिए नहीं बोला मैंने, कट्टे चला दूं? अभी तो तेरा गोना करवाना बाकी है, 9 लाख रुपए भी देना है। वो आपने तो कहा जाने के लिए। जाने के वास्ते उन लोगों को कहा, थारे को नहीं। तुम दोनों बाप बेटे से तो 9 लाख वसूल करने हैं मैंने। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप चुप रहिए। इस सड़क छाप को अच्छे से जानू मैं, 2 बार हमारे कस्टडी में रहे हुए हो साहब। अरे हम गरीब आदमी हैं, 9 लाख रुपए कहाँ से देंगे? क्यों, इससे पहले तो तू अपने बीवी और बेटे के साथ बड़ी शान दिखा रही हो, तो अब गरीबी की बातें कर रही हो? इन्हें देख, एक अमीर लगे है तने। चल चुपचाप बाप बेटे गाड़ी में बैठ जाओ, वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम सबकी। और हाँ, आज के बाद भूल कर भी इन्हें परेशान मत करना, नहीं तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तुम सबको। चल जी में बैठा, अवला डालो इनको। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काहे का, ये तो मेरा फर्ज है। इनको लेके जाइयो, डालो इनको अंदर। प्रमिला के पिता की भावनात्मक बातों ने प्रमिला की आंखों की नींद उड़ा रखी थी। प्रमिला रात भर अपने भविष्य के बारे में सोचती रही और अपने परिवार के बारे में सोचती रही, और फिर सुबह सुबह एक निर्णय के साथ उसने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उसे प्रोफेसर से पता चल चुका था कि एक ऐसी संस्था है जो अत्याचार करने वालों पर कानून से मदद करवाते हैं। प्रमिला ने रात को यह निर्णय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी। और फिर उसकी दिलेरी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में उसने खुद ने भी नहीं सोचा था। आज प्रमिला 18 साल की हो चुकी है और एक एनजीओ के माध्यम से इस कुप्रथा के खिलाफ एक मुहिम भी चला रही है, और देश की कई संस्थाएं उसकी इस मुहिम में शामिल है। जब मैं 8 साल की थी तब मेरा बाल विवाह हो गया, मेरे मामा मामी ने चुपके से मेरा बाल विवाह करवा दिया। जब मैं बड़ी हुई तब पता चला कि मेरा बाल विवाह हो गया, तब मैंने विकल संस्था के उषा जी को ये सारी बात बताई, तब हम दोनों ने मिलकर ये जंग छेड़ दी। आज हम दूसरी लड़कियों का बाल विवाह रुकवाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये थी प्रमिला की संघर्ष भरी कहानी। तब तक के लिए मैं खुशबू शर्मा चाहूंगी आप सभी से इजाजत। देखते रहिए सलाम इंडिया, जय हिंद।